हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं गणित की प्रश्नावली 9.3 में आपका स्वागत है। आइए प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। तो बच्चों, में यहाँ पर व्यंजकों की गुणा करनी है, तो आइए इसको करते हैं। CRP और Q जमा R, इनकी गुणा करेंगे। CRP गुणा Q जमा आर। सबसे पहले हम चार पी की गुणा करेंगे क्यू के साथ, उसके बाद फिर चार पी की गुणा करेंगे आर के साथ। तो सबसे पहले चार पी गुणा क्यू, फिर जमा का निशान, चार पी की गुणा आर के साथ, चार पी गुणा आर, ये हो जाएगा चार पी क्यू जमा चार पी आर, यही हमारा आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है ए बी और ए माइनस बी। ए बी गुणा करेंगे ए माइनस बी से, ए बी की गुणा ए के साथ, ए बी गुणा ए, फिर घटा ए बी की गुणा बी के साथ, ए बी गुणा बी, ये हो जाएगा ए बी गुणा ए, ए का वर्ग, ए दो बार है, घटा ए बी गुणा बी, बी दो बार है, ए बी का वर्ग, ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट है ए जमा बी, 7 1 की 2, बी की 2। सबसे पहले हम ए की गुणा करेंगे 7 1 की 2 बी की 2 के साथ, उसके बाद फिर जमा, फिर हम बी की गुणा करेंगे 7 1 की 2 बी के साथ, 7 1 की 2 बी की 2। बारी बारी से यहाँ पर ए और ए की 2, ए की 3 हो जाएगा, 7 1 की 3 बी की 2 जमा बी, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दो बार, बी की 3, 7 1 की 2 बी की 3, क्योंकि जब आधार बच्चों एक समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर बी और बी दोनों का आधार समान है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएगी, बी की घात 1 और 2 3 हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर होगा। 1 की 2 घटा 9 और 4 ए। सबसे पहले हम 4 ए की गुणा करेंगे ए की घात 2 के साथ, घटा का निशान आएगा, फिर 4 ए की गुणा 9 के साथ, 9 गुणा 4 ए। यहाँ पर देखो बच्चों, ए की घात 2 है और यहाँ पर ए की घात 1 है, घातें जुड़ जाएंगी, 4 ए की घात 3 हो जाएगा, घटा 9 गुणा 4 ए, 9 की गुणा 4 के साथ 36 ए, ये हमारा आंसर होगा। अगला पार्ट है, पांचवा पार्ट है पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर पी गुणा 0। अब बच्चों, हमें इस पूरे व्यंजक की गुणा 0 के साथ करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या की, किसी भी पद की, या कोई संख्या, कोई व्यंजक है, उसकी गुणा हम 0 के साथ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, चाहे वो संख्या हो, चाहे कोई चर राशि हो, व्यंजक हो, कुछ भी हो, 0 के साथ गुणा करते ही क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर हम पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर पी, इसकी गुणा करेंगे 0 के साथ, तो यह आ जाएगा 0। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चों, हमें सारणी को पूरा करना है। प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक, दो व्यंजक दिए हुए हैं, उनकी हमें गुणा करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर टेबल बना रखी है, हमें इनको बारी बारी से गुणा करके इनके सामने लिखना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए और बी जमा सी जमा डी। तो पहले हम एक ही गुणा करेंगे बी के साथ,
ए बी जमा, फिर ए की गुणा सी के साथ, ए सी जमा ए की गुणा डी के साथ, ए डी, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड है एक्स जमा वाई घटा पाँच, पाँच एक्स वाई, एक्स की गुणा पहले करेंगे पाँच एक्स वाई के साथ, पाँच एक्स की दो वाई, क्योंकि एक्स और एक्स एक्स की दो हो जाएगा, जमा फिर वाई की गुणा पाँच एक्स वाई के साथ, पाँच एक्स वाई की दो, क्योंकि वाई यहाँ पर है, दो बार है, फिर घटा पाँच की गुणा पाँच एक्स वाई के साथ, पाँच गुणा पाँच पच्चीस एक्स वाई। थर्ड है पी, छः पी की दो घटा सात पी जमा पाँच, पी की गुणा छः पी की दो के साथ, छः पी की घात तीन घटा पी की गुणा सात पी के साथ, सात पी की दो जमा पी की गुणा पाँच के साथ, पाँच पी। नेक्स्ट है चार पी की दो क्यों की दो और पी की दो माइनस क्यों की दो, तो पहले चार पी की दो क्यों की दो की गुणा करेंगे हम पी की दो के साथ, तो चार पी की दो और दो पी की घात चार और साथ में है क्यों की घात दो घटा, अब इस पूरे की गुणा क्यों की दो के साथ, तो चार पी की दो ऐसे कैसा आ जाएगा, क्यों की दो गुणा क्यों की घात दो और दो चार, ये हो जाएगा। अगला है ए जमा बी जमा सी ए बी सी, तो पहले ए की गुणा ए बी सी के साथ, ए की दो बी सी, फिर बी की गुणा ए बी के साथ, ए बी की दो सी जमा, अब सी की गुणा ए बी के साथ, ए बी सी गुणा सी, सी का वर्ग, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो समान चर है उनकी गुणा हो जाएगी, बाकी को हम ऐसे कैसा लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हमने ए की गुणा की ए बी के साथ, तो ए और ए समान है, ए की गुणा ए के साथ हो जाएगी ए का वर्ग, बाकी बी सी साथ में लिख देंगे। प्रश्न संख्या तीन है गुणनफल ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट है ए की दो गुणा दो ए की 22 गुणा चार ए की घात 26। अब यहाँ पर देखो बच्चों सबके जो आधार हैं वो समान है, ए ए ए और इसके अलावा है दो और चार, तो पहले हम दो गुणा चार करेंगे आठ। अब देखिए सबका आधार समान है तो हम ए को लिख लेते हैं, आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास ए की घात है दो 22 और 26, तो ये जुड़ जाएंगी आठ ए की घात 22 और दो 24 और 26 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है यहाँ पर बच्चों हम गुणा करेंगे बारी बारी से, पहले हम गुणा कर लेते हैं 2/3 की 9/10 से, घटा का निसार ही बाहर आ जाएगा, 2/3 9/10 हमने गुणा कर ली 2/3 की 9/10 के साथ, घटा का निशान बाहर आ जाएगा। इसके बाद x को लेते हैं हम, x की घात यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है, फिर इसके बाद y, y की घात यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है, इसको हल करेंगे तीन से काट देंगे, इसको हम दो से काट देंगे, 3/5 घटा के, 3/5 गुणा में x की घात जुड़ जाएंगी, दोनों का आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, एक और दो तीन, ये नियम है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, दोनों का आधार वाई वाई समान है घाते जुड़ जाएंगी, एक और दो तीन, यही हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है यहाँ पर हम पहले संख्याओं को लिख लेते हैं, घटा के 10/3 गुणा है 6/5, अब इसके बाद लेते हैं हम चर पी को,
पी की घात एक है गुणा पी की घात तीन गुणा क्यों की घात तीन और क्यों की घात एक, इन्हें इकट्ठा कर लिया हमने, इसको कॉल करेंगे तीन से काट देंगे दो, पांच से काट देंगे दो, दो गुणा दो चार, घटा का निशान है घटा के चार। अब यहां से पी की घात एक और पी की घात तीन, घातें जुड़ जाएंगी, पी की घात चार, क्यों की घात तीन और एक चार, यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है एक्स गुणा एक्स की दो गुणा एक्स की तीन गुणा एक्स की चार। बच्चों यहाँ पर सभी का आधार क्या है, समान, और सभी एक चर में ही है x के अंदर, तो x को लिख लेंगे, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो यहाँ पर घात x की है एक, फिर दो तीन चार, x की घात हो जाएगी चार तीन सात और नौ और एक दस, x की घात दस, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, उसका ए पार्ट है कि 3x गुणा 4x घटा 5 जमा 3 को सरल कीजिए, और फिर x का मान 3 और x का मान 1/2 लेकर के इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 3x की गुणा करेंगे हम 4x के साथ, 3 चौके 12 x की घात 2 घटा 3x की गुणा 5 के साथ 15 x जमा 3, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसके अंदर हम रखेंगे x का मान 3 यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का मान 3 रखने पर 12 x की 2 यानी 3 की घात 2 घटा 15 x x यानी 3 जमा 3, जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या रख दिया 3, तो 12 गुणा 3 की घात 2 9 हो जाएगा, 3 गुणा 3 घटा 15 गुणा 3 45 जमा 3, ये आ जाएगा। इसको हल करेंगे 12 गुणा 9 108 घटा 45 जमा 3, इसको हल करेंगे, ये हमारे पास है 108 और 3 111 घटा के 45, ये हमारे पास आ जाएगा 66। इस तरह से करना। अब इसके अंदर हमें x का मान रखना है 1/2 यहाँ पर, इसमें रखेंगे x का मान 1/2, हमारे पास आएगा 12 1/2 का वर्ग घटा 15 गुणा x यानी 1/2 जमा 3, जहां पर x था वहां पर हमने 1/2 रख दिया, क्योंकि हमें x बराबर 1/2 के लिए इसका मान निकालना है। ये हो जाएगा 12 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 घटा 15 गुणा 1/2 15/2 जमा 3, 4 से काट देंगे 3 पे 3 घटा 15/2 जमा 3, ये हमारे पास हो जाएगा 3 और 3 6 घटा 15/2। इसको थोड़ा आगे हल करेंगे, उत्तम लेंगे 2 12 1 2 पे भाग जाएगा, 2 की गुणा 6 के साथ 12 घटा, जैसे हम लघुत्तम लेते हैं बिनों को जोड़ते या घटाते हैं, 15 घटा के 3/2, ये हमारा आंसर होगा। 12 जमा का है 15 घटा का है, घटेगा घटा का बचेगा घटा के 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर का जो बी पार्ट है उसमें भी हमें इसको हल करना है, और फिर ए का मान इसके अंदर 0 रख के मान निकालना है, फिर ए का मान ए के लिए इसका मान निकालना है, और फिर ए के मान -1 के लिए इसका क्या मान होगा वो बताना है। तो बारी बारी से करते हैं, पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, गुणा करेंगे ए की प्रत्येक के साथ, क्योंकि ब्रैकेट में है बाहर ए है, तो प्रत्येक के साथ है गुणा होगी, ए की गुणा ए की 2 के साथ ए की 3 जमा ए की गुणा ए के साथ ए की घात 2, घातें जुड़ जाएंगी, ए की गुणा ए के साथ ए जमा 5,
अब इसके अंदर बारी बारी से हम एक का मान रखेंगे। पहले एक का मान जीरो लेते हैं, जीरो की घात 3 जमा जीरो की घात 2 जमा जीरो जमा 5, जहां पर ए था वहां पर क्या रख दिया हमने, जीरो, जीरो की घात 3 जीरो, जीरो की घात 2 भी जीरो, जीरो जमा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 5। सेकंड है ए बराबर 1, यहां पर हम ए का मान 1 रखेंगे, 1 की घात 3 जमा 1 की घात 2 जमा 1 जमा 5, जहां पर ए था वहां पर हमने 1 रख दिया, 1 की घात 3 1 गुणा 1 1 रहेगा, 1 का वर्ग भी 1 जमा 1 जमा 5, ये हो जाएगा 3 जमा 5 बराबर 8। थर्ड पार्ट है ए बराबर -1, जहां पर ए है वहां पर -1 रख देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1 जमा 5, जहां पर ए था वहां पर हमने -1 को रख दिया है। -1 की घात 3, बच्चों 1 की घात 3, 1 की घात 2, 1 की घात 10 सब एक होते हैं, लेकिन यहां पर है माइनस, तो माइनस के ऊपर अगर घात है कोई भी सम संख्या तो धनात्मक आएगा, और घात है कोई भी विषम संख्या तो आएगी ऋणात्मक या घटा। तो यहां पर माइनस की जो घात है वो है विषम संख्या, तो गुणा करने पर ही आएगा ऋणात्मक या घटा वाला, तो घटा का 1। यहां पर अब घटा के ऊपर घात है सम संख्या, तो ये आएगा धनात्मक जमा का 1, फिर उसके बाद घटा का 1, इसके ऊपर भी क्या है 1 है जो कि विषम है, घटा का आएगा जमा 5, ये घटा का 1 जमा का 1 कट जाएगा, घटा 1 जमा 5, 5 में से 1 गया 4, ये आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित को जोड़िए, यहां पर हमें 3 व्यंजक दिए हुए हैं, एक है ये, दूसरा है ये और तीसरा है ये, हमें इन तीनों व्यंजकों को जोड़ना है, तो आइए इसको हल करते हैं, गुणा करते हैं। पहले हम पी की, पी के साथ पी की घात 2, फिर पी की गुणा क्यों के साथ, पी क्यों जमा क्यों की गुणा क्यों के साथ क्यों के वर्ग घटा क्यों की गुणा आर के साथ क्यू आर जमा आर की गुणा आर के साथ आर का वर्ग घटा आर की गुणा पी के साथ आर पी। अब देखो यहां पर हमारे पास कोई कट नहीं रहा इसमें से, तो इसको लिख देंगे हम पी का वर्ग जमा क्यू का वर्ग जमा आर का वर्ग घटा पी क्यू घटा क्यू आर घटा आर पी, यही हमारा आंसर होगा। बी पार्ट है, हमें इन दोनों को जोड़ना है, गुणा करेंगे पहले हम 2x की जड़ के साथ 2xz, फिर गुणा x के साथ 2x का वर्ग, फिर गुणा y के साथ 2xy, इसको खोलेंगे 2y की गुणा जड़ के साथ 2yz घटा 2y की गुणा y के साथ 2y की 2 घटा 2y की गुणा x के साथ 2yx। अब देखो यहां पर कोई कटता है, कोई नहीं कट रहा, इसको हम व्यवस्थित क्रम में लिख देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों ये जुड़ेगा क्योंकि दोनों समान है, देखिए 2xy और 2xy, xy को या yx को बात एक ही है, 2xy घटा का 2xy घटा का जुड़ जाएंगे घटा के 4xy, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं एक बार दोबारा से करेंगे इसको, 2xz, 2yz, अब देखो 2yx और 2xy या 2y दोनों समान है ये, घटा के 4xy घटा के 2x की 2 और बच गया हमारे पास घटा के 2y की 2, यही हमारा आंसर होगा। हमने क्या किया है, इन दोनों समान पदों को जोड़ लिया है, 2xy घटा का 2xy घटा का, तो घटा के 4xy हो जाएगा।
इसका सी पार्ट है, इसका सी पार्ट है 4L गुणा 10N घटा 3M जमा 2L में से 3L गुणा L घटा 4M जमा 5N को घटाइए। अगले ऊपर वाले में हमने किया था जोड़, यहाँ पर हमें घटाना है। तो लिखेंगे पहले, गुणा करेंगे इसकी पहले हम 4L की 10N के साथ, 4 गुणा 10 40, L गुणा N LN घटा 4L की 3M के साथ, 4 की 3 के साथ 12, L की M के साथ L M जमा 4L की 2L के साथ, 4 की 2 के साथ 8, L की L के साथ L का वर्ग घटा, ब्रैकेट लगाएंगे 3L की L के साथ 3L का वर्ग घटा 3L की 4M के साथ, 3 चौके 12 L M जमा 3L की 5N के साथ, 3 पंजे 15 L N। हमने ब्रैकेट बच्चों इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर है माइनस, ये पूरा हमें घटाना है, तो अंदर के सब के निशान क्या होंगे, बदलेंगे, अगले स्टेप में करेंगे हम वो। ये हो जाएगा 40 LN घटा 12 LM जमा 8 L की 2 घटा। अब यहाँ पर सब के निशान बदल जाएंगे क्योंकि बाहर क्या है माइनस। ये नियम बच्चों, अगर ब्रैकेट से बाहर निशान माइनस का है तो अंदर के सारे निशाने बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा घटा का 3L का वर्ग, घटा से हो जाएगा जमा, ये जमा से हो जाएगा घटा। ठीक है, अब देखिए L की 2 और L की 2, पहले इनको ले लेते हैं, 8L की 2 घटा 3L की 2, 8 में से 3 गया, 5L की 2 यानी 5L का वर्ग ये हमारे पास हो गए। इसके बाद हम लेते हैं एल एम ले लो, एल एम यहाँ पर है 12 LM, यहाँ पर है 12 LM, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा जीरो, फिर हमारे पास बच गया एल एन और एल एन। तो ये हो जाएगा 40 LN जमा का 15 LN घटा का, दोनों समान है LN LN, 40 में से 15 गए, 25 जमा के LN, यही हमारा आंसर होगा। इसका डी पार्ट है, इस सारे के अंदर से हमें घटाना है इस पूरे को, तो हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया है, इस सारे को घटाना है इसके अंदर से, तो इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। 4C की गुणा करेंगे ए के साथ, तो घटा के 4AC या CA कैसे भी ले सकते हैं, फिर B के साथ गुणा जमा 4CB या 4BC जमा 4C गुणा C, 4C का वर्ग घटा। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को नहीं अभी खोलेंगे, नहीं ब्रैकेट को अभी हम खोलेंगे नहीं, ब्रैकेट को बंद रखेंगे, बाद में इसके निशान बदलेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3A की गुणा A के साथ 3A का वर्ग, 3A की गुणा B के साथ 3AB, 3A की गुणा C के साथ 3AC घटा। यहाँ पर गुणा करेंगे, बाहर घटा है ब्रैकेट लगा ली हमने, 2B की गुणा A के साथ 2AB घटा 2B की गुणा B के साथ 2B का वर्ग जमा 2B की गुणा C के साथ 2BC। हमने बच्चों ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर किसका निशान है घटा का, तो निशान ये बदलेंगे, इसको हम अगले स्टेप में बदलेंगे। ये हमारे पास रहेगा घटा 4AC जमा 4BC जमा 4C का वर्ग घटा, अंदर हमारे पास है 3A की 2 जमा 3AB जमा 3AC। अब इसके निशान बदल देंगे हम, बाहर माइनस है, ये घटा का ये जमा का और ये घटा का, इस तरह से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। घटा 4AC जमा 4BC जमा 4C का वर्ग। अब इसके निशान बदल लेते हैं बच्चों, यहीं पे हम खोल लो इसको, 3A का वर्ग घटा हो जाएगा, ये घटा के 3AB, ये घटा के 3AC जमा के 2AB घटा के 2B का वर्ग जमा 2BC
सी बाहर था ब्रैकेट के बाहर, माइनस का निशान, सबके निशान बदल जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बच्चों हल करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एसी, एसी के हैं घटा के 4 AC, और यहाँ पर भी हमारे पास है एसी घटा के 3 AC, इकट्ठा कर लेंगे दोनों को, घटा के 3 AC घटा के 4 AC, ये हमारे पास हो जाएगा घटा के 7 AC। फिर इसके बाद रहते हैं BC वाले, 4 BC और 2 BC दोनों जमा के हैं, 4 और 2 6 BC। फिर हमारे पास है बच्चों AB, घटा का 3 AB जमा का 2 AB, एक जमा एक घटा घटेगा, घटा का 1 AB ये बचेगा। अब हमारे पास रहेगा सिर्फ ये वर्ग वाले, घटा का 3 A का वर्ग घटा के 2 B का। हमारे पास बच्चों ये जोड़ने के बाद 4 AC घटा का और यहाँ पर 3 AC घटा का 7 AC हो जाएगा, 4 BC जमा का 2 BC जमा का 6 BC हो जाएगा, 3 AB घटा का 2 AB जमा का 1 घटा का AB बच जाएगा, घटा के 3 A की 2 घटा के 2 B की 2 और जमा के 4 C की 2। इस तरह से इनको हमने लिख लिया, और आप इनको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कि घटा का 3 A का वर्ग घटा 2 B का वर्ग जमा 4 C का वर्ग, इनको इधर ले आओ, घटा 7 AC जमा 6 BC और घटा AB, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। धन्यवाद।